प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 3 टाइप्स मैगी। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सेजवान मैगी बनाने के लिए पैन में 1 टीस्पून बटर डालें, आधा कटा हुआ प्याज डालकर इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें आधा कटा हुआ शिमला मिर्च डालें, इसे हल्का फ्राई करें और गैस की फ्लेम मीडियम कर दें। टू टीस्पून सेजवान चटनी ऐड करें। टू टीस्पून मेयोनीज। इसमें हम मैगी मसाला ऐड करेंगे। इन चीज़ों को मिक्स करें। अब इसमें उबली हुई मैगी डालें और गैस की फ्लेम को लो कर दें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए कितना बढ़िया सेजवान मैगी बनके तैयार हो गया। एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालें। अब इसमें आधा कटा हुआ प्याज डालें। आधा कटा हुआ शिमला मिर्च, इसे डालकर फ्राई करें। गैस की फ्लेम मीडियम कर दें। अब इसमें मटर ऐड करेंगे। एक कटा हुआ टमाटर ऐड करें और स्वाद अनुसार नमक डालें और इसे मिला लें। हाफ टी स्पून गरम मसाला डालें। जब सब्जियां हल्की फ्राई हो जाएं तो इसमें पानी ऐड करें। इसमें मैंने 2 कप पानी डाला हुआ है। इसमें हम मैगी मसाला ऐड करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें मैगी डालें। इसे 2 मिनट के लिए पकने दें। हमारा वेजिटेबल मैगी तैयार है। एक पैन में 2 टीस्पून ऑयल डालें। 3 से 4 कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ इसमें डालें और इसे फ्राई कर लें। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें। इसमें आधा कटा हुआ शिमला मिर्च, आधा कटा हुआ प्याज डालें। जब ये हल्का फ्राई हो जाए तो इसमें टमाटर ऐड कर दें।
और स्वाद अनुसार नमक डालें। अब इसमें 1 कप पानी डालें, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून टमाटो के। इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और जब इसमें उबाल आने लगे तो मैगी डालें और इसे 2 मिनट के लिए पकाएं। झटपट बनने वाला चाइनीज मैगी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।